सेवियाँ हम अलग अलग तरीक़ों से बनाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह से सेवियाँ बनाकर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और यह सेवियाँ अगर आप किसी को भी खिलाओगे तो सभी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं थकेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने सेवियाँ कैसे बनाई हैं। हाय देयर, दिस इज अनामिका, वेलकम बैक टू माय ग्रीमी लाइव चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बनाने में बहुत ही इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 2 स्पून घी डाल दिया है। जो घी है वो देसी घी है, आपको भी घी का ही यूज़ करना है। फिर हम इसमें सेवियाँ डालेंगे, तो सेवियाँ हमने 1 कप डाली है और थोड़ा सा और यानी कि 1/4 कप हमने और डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। हमको इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे, लेकिन आपको इसको धीमी आंच में ही भूनना है। सेवियाँ को आपको तेज आंच में नहीं भूनना है। तो देखो कितना अच्छा कलर आ गया है, तो आपको भी इसी तरह भूनना है। इसको भूनते हुए हमको 1-2 मिनट लग गए हैं। देखो ये बहुत अच्छे से भून गई है, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो पहले हम 1/2 लीटर दूध ऐड करेंगे। तो देखो ये हमने दूध ऐड कर दिया है सेवियाँ में। अब जो कढ़ाई के किनारों के साइड सेवियाँ लगी हुई है उसको हम निकाल देंगे। देखो ये हम निकाल रहे हैं। फिर हम इसमें 1/2 लीटर दूध और ऐड करेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर हमने 1 लीटर दूध का यूज़ किया है। देखो ये हमने 1/2 लीटर दूध और डाल दिया है। फिर हम इसको चलाएँगे। इसको हमको तब तक पकाना है जब तक सेवियाँ अच्छे से कुक ना हो जाए। तो इसको पकने में 3-4 मिनट लग जाते हैं। जब तक ये अच्छे से कुक होती है सेवियाँ, तब तक हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने अब 1 कप लिया है, उसमें हमने 3/4 कप दूध ऐड कर दिया है। जो हमने दूध लिया है वो ठंडा दूध है। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड हमने 2 स्पून ऐड कर दिया है। जो कस्टर्ड है वो पिस्ता फ्लेवर का है। आज हम जो सेवियाँ बनाएंगे वो पिस्ता फ्लेवर में बनाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कस्टर्ड ऐड करते हो दूध में, तो दूध हमारा ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म दूध में अगर आप कस्टर्ड डालोगे तो लम्स पड़ने का डर रहता है। देखो ये हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम देखते हैं कि सेवियाँ कितनी कुक हो चुकी है। तो ये देखो सेवियाँ काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी है और ये काफ़ी थिक भी हो गई है। हम अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो हमने 1 कप चीनी इसमें ऐड कर दिया है। अब हमको इसको तब तक चलाते रहना है जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो देखो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने से पहले हमको कस्टर्ड को अच्छे से हिला लेना है, क्योंकि ये कप के नीचे लग जाता है। देखो ये हमने अच्छे से कस्टर्ड को हिला दिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड आपको एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आपको कस्टर्ड डालते रहना है और सेवियाँ को भी हिलाते रहना है। कस्टर्ड डालो, सेवियाँ को हिलाते रहो, इस तरह से आपको कस्टर्ड ऐड करना है। देखो ये मैं डाल भी रही हूँ और हिला भी रही हूँ। तो इस तरह हमने पूरा कस्टर्ड डाल दिया है और सेवियाँ को भी हमने बहुत अच्छे से हिला लिया है। थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो हमको इसको 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, फिर हम देखते हैं। देखो 1 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। आपको भी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है, जैसे ही ये ठंडा होगा फिर ये और थिक हो जाएगा। तो अब हमको इसको ठंडा होने देना है, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बर्तन में निकाल देंगे। सेवियाँ ठंडी हो गई है, अब हम इसको 1 बर्तन में निकाल देते हैं। तो देखो ये हम निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो सेवियाँ कितनी थिक हो गई है। पहले से हमने सेवियाँ निकाल दिया है, अब हम इसको फ्रीज के अंदर रखेंगे 3-4 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। फिर 3-4 घंटे के बाद हम देखते हैं। देखो 3-4 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हो सेवियाँ देखो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। देखो आपको भी इसको तब तक फ्रीज में रखना है जब तक ये ऐसे ही सेट ना हो जाए। जैसे ही ये सेट हो जाती है फिर आपको फ्रीज से निकालना है। अब हम इसको गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ, क्योंकि आज हम जो सेवियाँ बना रहे हैं वो पिस्ता फ्लेवर में है, तो हम गार्निश भी पिस्ते के साथ ही करेंगे। देखो ये हमने पिस्ता डाल दिया है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आप इसको किसी को भी खिलाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखो कितनी अच्छी से जमी हुई है ये, और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।